बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। ख़वातीन को हर महीने में चंद रोज के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंसेस का सामना करना पड़ता है, जिसे उर्दू जबान में हैज भी कहा जाता है। ख़वातीन से मुतालिक ये एक इंतहाई हसास और अहम मामला है। शरीयत इस पर क्या कहती है और ख़वातीन के मसाइल को देखते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक खातून की जानिब से ही पूछे गए इसी मौजू पर सवाल का क्या जवाब दिया। टीम हम कदम आज की वीडियो में सारी तफसीलात आपके सामने रखेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या कहा। चूँकि खातून ने सवाल हिंदी जबान में किया है, लिहाजा वो बराह रास्त समझा जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि खातून ने क्या सवाल किया और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में जो जवाब दिया उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। सलाम वालेकुम भाई और बहनों को। मेरा मैं संगीता शाह टीचर हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि एक नॉन मुस्लिम मर्द अल्लाह की इबादत कर सकता है, मगर एक शादीशुदा नॉन मुस्लिम औरत अल्लाह की इबादत करने में उसे तकलीफ आ सकती है, तो उसको कैसे हल किया जाए और मुस्लिम समाज ने इसके लिए क्या किया है? दोस्तों, यहाँ पर ये खातून दरअसल ये सवाल करना चाह रही है कि एक मुसलमान मर्द को इबादत करने के लिए किसी खास वक्त का मोहताज रहने की जरूरत नहीं, वो जब चाहे नमाज पढ़ सकता है महीने के 30 के 30 दिन, मगर ख़वातीन को अय्याम खास या हैज के दिनों में नमाज, कुरान पाक, रोज़ा और इबादत से दूर रहने का हुक्म दिया गया है। यूं ख़वातीन मुकम्मल तौर पर इबादत का मजा नहीं ले सकती और वो चाहती हैं कि वो महीने के 30 के 30 दिन ही इबादत करती रहें। गो के इस खातून ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिन्हें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस खातून की तस्हीह करते हुए दुरुस्त भी करवाया। क्वेश्चन दैट फॉर एन एडल्ट मुस्लिम मैन इट इज इजी टू डू इबादा, इजी टू प्रे, बट फॉर अ मुस्लिम एडल्ट वुमेन हुज मैरिड इट्स डिफिकल्ट टू इबादा, देयर कैन बी डिफिकल्टीज, सो व्हाट इज द रीजन? दोस्तों, याद रखिए कि अक्सर मुस्लिम खवातीन जो कि इबादत और अल्लाह के बहुत ज्यादा खुद को करीब महसूस करती हैं, वो ये एहतजाज करती नजर आती हैं कि हम औरतें मुकम्मल तौर पर महीने के 30 के 30 दिन इबादत नहीं कर सकती और इस पर अक्सर मुफ्तियान और मुबल्लिगीन से सवाल भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम इस पर आपके सामने दीगर उलमा की राय भी रखेगी कि वो खवातीन जब उनको हैज हो जाता है इस दौरान भी वो कौन सी इबादत कर सकती हैं जिनसे मना नहीं किया गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही सबसे पहले इस खातून के सवाल को दोहराने के बाद कहा कि जहां तक इबादत बिलखसूस नमाज की बात है, वो मर्द और औरत दोनों पर ही फर्ज है और ये दोनों के लिए एक जैसी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस आयत का मफहूम बयान करते हुए कहा कि यहाँ से मालूम हो जाता है कि मर्द और औरत के लिए नमाज या इबादत की अहमियत एक ही जितनी है। जितनी नमाज मर्द पर फर्ज है उतनी ही औरत पर भी फर्ज है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ ऐसे अयाम खास आते हैं जब खवातीन या औरतें हैज के दिनों में होती हैं, तो हैज के दौरान खवातीन को नमाज और इबादत से रिलैक्सेशन दी गई है यानी कि उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है और नमाज या इबादतों से मना किया गया है। इसकी वजह यह है कि खवातीन के अंदर उस मौके पर कुछ नफ्सियाती तब्दीलियां होती हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, लिहाजा उनके रवैये में और उनकी जिंदगियों में वैसे ही कुछ मुश्किलात होती हैं, लिहाजा उनको कुछ आराम दिया गया है और नमाज पढ़ने से मना किया गया है। एंड कुरान क्लियरली स्टेट्स इन सूरह अज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 35, सो इट इज द सेम, द ड्यूटी, द स्पिरिचुअल ड्यूटी of men and women in Islam is the same, but I do know there are occasions when the woman is undergoing a cycle, when she is undergoing a menstrual cycles, there is relaxation given to her, that because of the various psychological changes that takes place, the various hormonal changes that takes place because of the menstrual cycle, there is a concession given to women that during this time she should not pray, she is giving rest. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम ने ख़वातीन को आराम करने के लिए ये दिन दे रखे हैं कि इन दिनों में आपकी सेहत अच्छी नहीं है, लिहाजा ना रोजे रखे जाएं ना ही नमाज पढ़ी जाए।
डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी कहा कि हैज के दौरान अगर खवातीन के रोजे रह जाते हैं तो ये कहा गया है कि वो रमजान के बाद दोबारा से वो रोजे रख कर अपने 30 रोजे या जितने भी हैं वो मुकम्मल कर सकती हैं। लेकिन नमाज के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि अय्याम हैज के दौरान जो नमाजें रह जाएं उनको भी अदा किया जाए। और इसकी वजह यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक दिन में 5 बार नमाज अदा करने का मौका दे रखा है, जबकि माह रमजान सिर्फ साल में एक बार आता है, लिहाजा उनकी कजा की रोजों की कजा की इजाजत दी गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि खवातीन को इबादत का मौका कम मिलता है, मर्दों को ज्यादा मिलता है, खवातीन कौन सी इबादत कर सकती हैं हैज के दौरान? डॉक्टर जाकिर नायक ने तो इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया और बात मुकम्मल करके माइक्रोफोन के सामने से हट गए। मगर टीम हम कदम आपको शेख कासिम साहब का इसी हवाले से बयान पेश करती है, जिसमें आप देख सकेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। She should not fast, but the fast can be compensated because in Ramadan you fast only for 1 month. But since you have to offer Salah 5 times a day, every day of your life, it need not be covered up. So this is a concession given so that it is much more beneficial and she is comfortable. Hope that answers the question, sister. As for the forms of worship during menses, there are so many. The sky is the limit. You are not allowed to. शेख आसिम अल हकीम से इसी मामले पर सवाल किया गया कि खवातीन पीरियड्स के दौरान कौन सी इबादत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि आसमान लिमिट है, यानी कि बहुत सी इबादत हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती खवातीन, रोज़ा नहीं रख सकती और वो खाना काबा का तवाफ भी नहीं कर सकती अय्याम हैज के दौरान। उसके अलावा तो जो आपका जी चाहे वो आप कर सकती हैं। आप अपने बच्चों को बिठाइए, उनके साथ दीन इस्लाम से मुतालिक गुफ्तगू फरमाइए, उन्हें इस्लाम पहुंचाइए। और बराहे रास्त इबादत नहीं कर सकती तो खवातीन खैरात कर सकती हैं, इन दिनों में खैरात करें। शेख आसिम ने कहा कि खैरात करने पर तो औरतें कहेंगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं होते, मैं तो घर की औरत हूँ, मेरे पैसे तो मुझे मेरा शौहर देता है, खैरात कैसे करूँगी। इसके जवाब में शेख आसिम अल हकीम ने कहा कि आप घर पर अपने शौहर की इजाजत से ज्यादा सारा खाना बना सकती हैं और वो खाना गरीबों में बांट सकती हैं। As you can in charity. As a woman, maybe you say I don't have money except what my husband gives me and this is very little and sometimes he doesn't give me at all. You can cook. So ask your husband for permission. All the masjids in Qatar, I believe, in Saudi Arabia or in the Gulf areas worldwide. शेख आसिम अल हकीम ने कहा कि अगर खवातीन चाहें तो दीगर तरह की इबादत कर सकती हैं। दोस्तों, टीम हम कदम की जानिब से पेश की गई ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।